इलेक्शन तो ऐसा चीज़ है, बिना पेन निकल होता है, किधर ढूल जाता है ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो कहाँ छाप दोगी? हाँ बोलिए। बस की वजह से बहुत हमको हम आज डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा। हम रोकते रोकते हम रुक नहीं पाए हैं। हवा तो मोदी योगी जी के पास 5.5% 6% आईएमएफ का रिपोर्ट है पढ़ रहा उसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 20 स्तर पर भारत में बाकी देशों की तुलना में यहाँ विकास दर ज़्यादा तेज है। बिजली की समस्या बड़ी खराब है। हवा तो बीजेपी के रुझान में ही है, बीजेपी के। हाँ यहाँ पर बाबा का हवा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी सिंह और आप देख रहे हैं रुआन न्यूज। देखा जाए तो हर एक तरफ चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं, और मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, यहाँ पे मैं पब्लिक एरिया में आ चुकी हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगी कि इस बार किसकी हवा है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की या फिर सपा की। तो आइए लोगों से बात जानने की कोशिश करते हैं। और अंकल जी कैसे हैं बाबा? बिल्कुल फाइन। और कैसा चल रहा हवा किधर? हाँ चुनाव का क्या माहौल है? हवा तो ठीक है, लेकिन जो कहाँ छाप दोगी? हाँ बोलिए। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैमरा है बिल्कुल। बिजली की समस्या बड़ी खराब है। अच्छा बिजली की समस्या बड़ी खराब है। अच्छा हाँ कहाँ से है? मैं खजनी थाने से हूँ। अच्छा खजनी थाने। हाँ उधर बिजली की क्या दिक्कत? हाँ ओठा ग्राम सभा। अच्छा आती ही नहीं है। आती ही नहीं है? हाँ 8-8, 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं आ रही है। अच्छा हाँ सरकार तो कह रही है कि हम हर एक जगह बिजली पहुंचा। सरकार तो कहेगी। हाँ कर्मचारी हरामजादे हैं ना। अच्छा मतलब दिक्कत कर्मचारी की है, सरकार तो दे ही रही है। सरकार तो कह ही रही है। हाँ। कर्मचारियों की दिक्कत है। तब बीजेपी काम कर रही है कि नहीं? हाँ? बीजेपी काम कर रही है कि नहीं? फिलहाल तो ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। हाँ। अब की बार बीजेपी आएगी? हाँ? बीजेपी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, हालांकि मैं भाजपा ही हूँ। अच्छा भाजपा ही है फिर भी गारंटी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? गारंटी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जनता किसी किसी मायने में त्रस्त भी है। किस मायने में? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बिजली है, बीमारी है, हैं? मान लो जिसके परिवार में एक दो ही जने हों, हैं? उसका कार्ड कैसे बनेगा, दवा कैसे कराएगा, 6 यूनिट। अरे सरकार तमाम तो योजनाएं चला रही है। आज की तारीख में जिसके पास 6 जने हैं उन्हीं को 5 लाख का दवा मिलेगा। अच्छा। और जिसके पास 2 ही जने हैं उनको नहीं मिलेगा, 4 जने उनको नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? आज यही योजना है। यही योजना है? हाँ। अच्छा हाँ तो क्या चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को? जो जरूरतमंद है, चाहे उसके परिवार में 2 जने हो, चाहे 4 जने हो, चाहे अकेला हो, मैं किसके कोई नहीं, बुढ़ा है मर रहा है, उसकी दवा नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट सरकार चल रही है बीजेपी का। हाँ। हाँ। बस रोकते समय बस नहीं रोक रही है। हाँ। हाँ। क्यों नहीं बस रोक नहीं रोक रही है? हाथ देने पर स्टैंड पर बस नहीं रोक रही क्यों है, नहीं रोक रही है? हाँ? क्यों नहीं रोक? अब हाथ देने पर नहीं रोक रही है तो उसके गाड़ी के सामने खड़ा नहीं ना होंगे? उचलाना तो है नहीं। हाँ उसके बावजूद भी हाथ देते देते एक नहीं दो दो चार चार बस को हम जो है कि हम रोकते रोकते हम हार चुके हैं। बस नहीं रुक रही है। हाँ। इसके मतलब क्या है? हमारी बीजेपी सरकार, हमारी गवर्नमेंट यही बीजेपी सरकार चला रही है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्टैंड पर बस जो है कि न रुक पाए। हाँ। हैं? अच्छा। इसका मतलब बड़े खपा लग रहा है आप बस की वजह से। बस की वजह से बहुत हमको हम आज डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा। हम रोकते रोकते हम रुक नहीं पाए हैं, जो है कि हम टेम्पो से इतना पैसा दे के हम यहाँ पहुँचे हैं गोरखपुर। अच्छा। हाँ हम आने वाले पड़ौना से। अच्छा पड़ौना से? हाँ पड़ौना से आ रहे हैं। हाँ कितना लग गया किराया? हमारा लग गया 200 रुपया। अच्छा बस से कम लगता है? बस से कम लगता है। इसके मतलब हम हाथ देते दे नहीं बस रुक रहा है। ऐसा भी तो हो सकता बस वाले देखो जो कंडक्टर और ड्राइवर। अरे कंडक्टर ड्राइवर की बात नहीं है, हाथ देते कंडक्टर को ड्राइवर को है रोको रोको, रुक नहीं रहा है कंडक्टर, रोक नहीं रहा ड्राइवर, नहीं रोक रहा है। इसका मतलब ये थोड़ो है कि हाथ दे रहे हैं अब गाड़ी के आगे नहीं चल जाएं। अच्छा ये बताइए किसकी हवा चल रही है? बीजेपी? अरे बीजेपी, बीजेपी का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी सरकार चल रही है वो उसकी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे हाथ दे रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं रुक रही है, सरकारी बस नहीं रुक रही है। हाँ। इसके मतलब क्या हो? अच्छा ये बताइए और कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारा समस्या कुछ नहीं है, बस की समस्या है, बस की समस्या, किराया लग गया, हम क्या करें। अच्छा, अच्छा और भी लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, बात करते हैं। और किसको वोट देना है? मोदी सरकार।
अच्छा, हमको बीजेपी, हमको बीजेपी का वोट देना है। अच्छा, बीजेपी को जीता, हम बीजेपी को जीता, तो हम सरकार से खपा नहीं है। जो कि हमारी जो सरकार चल रही है, लेकिन जो जो वहाँ जो स्टैंड है वहाँ जो है कि हमारी बस नहीं रुक रही है कोई भी। हम पैसेंजर हैं, हम हाथ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बस रुकना चाहिए, रुक नहीं रही है। और किसको किसकी हवा चल रही है आपकी तरफ? मोदी का। मोदी का क्या लगता है आपकी 400 पार? हाँ, 400 पार ही होगा, इसमें कोई नहीं काट सकता इसको। अच्छा, मोदी सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, उसके कोई कुछ काम? लेकिन गलती बस इतना काम है, उन्होंने बहुत कुछ किया। हम बस गलती इतना है, स्टैंड जो है जो लगा है जहाँ स्टैंड होना चाहिए बस स्टैंड का, लेकिन वहाँ खड़ा नहीं हो रही है बस। ठीक है, माइक देखिए क्यों भाग रहे हैं भाई। हाँ तो बताइए, आप बता रहे थे वो बीच में ही काट दिए, बीजेपी की आवाज चल रही है। मोदी सरकार फिर से बनेगी और हाँ, आगे भी बनती जाएगी। अच्छा, मोदी सरकार ही आएगी। हाँ, चलिए और आगे कभी विकास होगा। अच्छा, विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है और भी आगे होगा इसके लिए। अच्छा। जी कैसी चल रही है दुकान? काफी सामान आगे पीछे रखे है। अरे दुकान चल ही रहा है थोड़ा बहुत। हवा किसके तरफ है आपकी? हवा तो योगी जी के पास है। क्या भैया, कांग्रेस? कांग्रेस का कहीं हवा नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या है ऐसा? कहीं तो सुनाई नहीं पड़ा है, जहाँ देखिए तहाँ है योगी मोदी। अच्छा, योगी मोदी का ही। और काम हम किए कि नहीं? कुछ काम तो किए ही है हर जगह। उठे लोग तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई आ गई है, कहीं खड़ंजा है कहीं और तौर है। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे बताइए, जब अगर महंगाई बढ़ेगी तो आदमी का मजदूरी भी तो बढ़ रहा है। किसकी तरफ हवा चल रही है भैया, बताइए? आप बताइए, आप ही बता दीजिए। हवा तो बीजेपी के रुझान में ही है। बीजेपी के? हाँ, ऐसा अगर गोरखपुर की बात करें तो क्योंकि अदर जगह की मतलब क्या लगता है कि 400 पार कर लेगी बीजेपी? नहीं, इसमें संदिग्ध है अभी, 400 पार होना मुश्किल है। भले बीजेपी दावा कर रही है 400 होने का, बट इसमें मुश्किल है 400। बट हाँ, ये है कि ये लीड तो कर रहे हैं, नो डाउट लीड कर, चाहे वो मोदी जी के नाम से लीड कर रहे हो या बीजेपी के काम से लीड कर रहे हो, बट वो लीड तो कर रहे हैं। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। महंगाई पे क्या? महंगाई का जो रेशियो है, मतलब जैसे अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो जो 6-7% का रेशियो हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, वो स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से तो बढ़ा है महंगाई, नो डाउट। बट महंगाई तो बढ़ेगा ना, आप देखिए ना पॉपुलेशन कहाँ भाग रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, बट हाँ एक विकास दर आप देखिए ना 5.5% 6% आई एम एफ का रिपोर्ट है, बढ़ रहा है उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भारत में बाकी देशों की तुलना में यहाँ विकास दर ज़्यादा तेज है, कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे थे विश्व गुरु बनाने के लिए, बन गया? विश्व गुरु बना नहीं है ये, उन्होंने कहा कि बन जाएगा तुरंत, नहीं। हाँ, बनने में समय लगेगा, बनने में समय लगेगा, बट ये कि प्रयासरत हैं उस रास्ते पे तो हैं, बट समय लगेगा। अच्छा, अभी ना बड़ा, अभी समय लगेगा बिल्कुल, ऐसे तुरंत नहीं हो जाएगा किसी कहने पर। और किसकी आवाज चल रही है आपकी यहाँ पे? यहाँ पर बाबा का हवा चल रहा है। अच्छा, बाबा का हवा चल रहा है। यहाँ से तो सांसद रवि किशन जी उठे हैं ना? हाँ हाँ, वही है। तो उनके कुछ काम बता दीजिए। बस आप खुद देखिए, रोड नाली बढ़िया से बन रहा है, गली गली में वो बनवाए हैं, नहीं पास हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे बन रहा है। उनके काम पूछ रही हूँ मैं। तो काम तो कर रहे हैं ना, अभी हम खुद ही काम करके आ रहे हैं। आप अभी हम लोग का काम वहाँ पे चालू है, तारामंडल या गोपलापुर में भी चालू है और रामपुर में भी चालू है। मतलब रोजगार मिल रहा है तो आप तारीफ करेंगे? नहीं, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। मतलब वो ठीक है, रोजगार तो नहीं मिल रहा है। हाँ। मतलब खाली रोड नाली बन रहा है बस। अच्छा, रोड नाली बन रहा है, बस बन रहा है, मतलब विकास हो रहा है। क्या कहेंगे भैया? सही है, सही है, रोड नाली। हाँ, जॉब करके आ रहा हूँ और जो कि नाली और रोड में काम करता हूँ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चल ही रहा है। और प्लस झगड़े मार भी जब से योगी जी आए हैं। इस बार का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो फिर अभी कोई शोर नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है एकदम, लेकिन आएंगे तो फिर बीजेपी ही आएंगे। आइए आगे देखते हैं। और मुद्दा क्या है ये बताइए आपकी तरफ?
क्या मुद्दा है? मतलब इलेक्शन को लेके मतलब किसकी तरफ हवा चल रही है, बीजेपी या फिर एनडीए या फिर? इलेक्शन तो ऐसा चीज है, बिना पेनी का लोटा है, किधर ढूल जाता है ये तो कोई नहीं जानता है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग कट्टर समाजवादी, हम तो अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं, हमारे मन में वही है तो बस हम अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। अन्यथा बीजेपी काम नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही है बीजेपी काम, लेकिन जैसा चाहिए वैसा कोई भी नहीं करता, चाहे अखिलेश चाहे योगी मोदी कोई भी रहे, लेकिन हमारे दिल में वही बस है, हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, पूरा सफाई है। हाँ, मेहनत करके खाते हैं, ना योगी देंगे खाने को, ना मोदी देंगे, ना अखिलेश यादव कोई खाने को नहीं देगा, अपना मेहनत करेंगे। वोट अखिलेश यादव को ही देंगे, सपा को ही देंगे।